सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। आज की वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे ट्रिपल आईटी कल्याणी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कल्याणी की। तो ट्रिपल आईटी कल्याणी हमारे कल्याणी वेस्ट बंगाल में स्थित एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में ऑपरेट करने वाला इंस्टीट्यूट है। बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की, तो अभी तक इन्हें कोई भी एनआरएफ रैंकिंग अवेलेबल नहीं है। हर कॉलेज रिव्यू देखकर आज की वीडियो में सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो हमारे पास 2023 का प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है, जिसमें सबसे पहले आप प्लेसमेंट परसेंटेज की बात कर लें तो 89.66% है। बात कर ले मीडियन पैकेज की तो ओवरऑल 12 LPA, एवरेज पैकेज 12.76 LPA और हाईएस्ट पैकेज 26.41 LPA। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की तो सबसे पहले आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे, और जेईई मेंस में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर जोसा सीसैप काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की तो हमारे पास जोसा 2023 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ के स्क्रीनशॉट दिए हुए हैं। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 37,195 रैंक पे, वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन क्लोज हुआ था 41,775 रैंक पे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भैया मुझे अगर ट्रिपल आईटी कल्याणी जैसे कॉलेजेस मिल रहे हो या फिर नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज मिल रहे हो, तो उस समय तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर दोनों ही इंस्टीट्यूट्स में आपको कंप्यूटर साइंस से मिल रहा है तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटी ले लीजिए। क्यों? इसके पीछे सबसे पहली बात तो आपके साथ एनआईटी का टैग जुड़ जाएगा, और दूसरी बात यह है कि एनआईटी में हमें डेवलपमेंट ज़्यादा तेजी से देखने को मिलती है इन कंपेरिजन टू ट्रिपल आईटीज। आप जैसे कुछ एनआईटीज देख लीजिए, लाइक एनआईटी मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, इन सारे एनआईटीज में आपको प्लेसमेंट भी बढ़िया देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ थोड़ा सा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डेवलपमेंट जल्दी जल्दी देखने को मिलेगी। बट आपका अपना प्रेफरेंस भी हो सकता है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटी में नॉर्थ ईस्ट का लोकेशन है तो उतना बढ़िया आपके लिए सूटेबल नहीं भी हो सकता है। मतलब नॉर्थ ईस्ट कईयों के लिए सूटेबल लोकेशन नहीं होता है। तो अगर आपको चाहिए कि हमें पूरे नॉर्थ इंडिया या फिर साउथ इंडिया, ईस्ट वेस्ट में कहीं भी जाना है, तब आप इन सारे लोकेशन लाइक ट्रिपल आई टी कल्याणी भी चूज कर सकते हो। कोई बहुत बड़ा बिग डील नहीं है। कंप्यूटर साइंस ही लेना है तो आप ट्रिपल आई टी कल्याणी हो या फिर नॉर्थ ईस्टर्न आई टी हो, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट वही बात है, एक जगह एन आई टी का टैग मिल रहा होगा और एक जगह आपको ट्रिपल आई टी कल्याणी का। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर ले तो सबसे तेज हमें आई आई टी में देखने को मिलती है, उसके बाद एन आई टी में, और उसके बाद ट्रिपल आई टी में। अपना कॉलेज का खुद का भी एक ब्रांड वैल्यू होता है। मतलब जैसे आई आई टी की बात कर लें तो अब हर आई आई टी तो सेम नहीं होते ना, तो आई आई टी हैदराबाद का अलग टैग होता है, आई आई टी बॉम्बे का एक अलग वैल्यू होगा, IIT अगर हम धारवाड, IIT तिरुपति जैसे पीछे के धीरे धीरे नीचे IITs में बात करें, वो अपने साथ अलग ब्रांड वैल्यू कैरी करते हैं। तो यही सारी चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि आप NIT का टैग ले रहे हो तो हर NIT का सेम वैल्यू होगा, IIIT का ले रहे हो हर IIIT का सेम वैल्यू होगा। तो मैं ओवरऑल कंक्लूजन यही देना चाहता हूँ, आपके ऊपर है आप क्या सारी चीजें चूज करना चाहते हो। खैर अगर वापस कट ऑफ पे आए तो आपने राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ के स्क्रीनशॉट देख लिए हैं। अब अगर आपको हर राउंड, हर ईयर, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की तो आपके सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। अगर हम ओवरऑल बात कर ले आपके 4 साल का बीटेक फी कितना लग रहा होगा हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर, तो 11 लाख के अंदर अंदर आपका 4 साल का बीटेक हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर निपट जाएगा। एक बात बता दूं कि हॉस्टल यहाँ कंपलसरी नहीं है, आप हॉस्टल की जगह बाहर कहीं और पीजी भी ले सकते हो। पीजी यानी कि पेइंग गेस्ट, रेंटेड रूम्स आप बाहर ले सकते हो, तो उस केस में आपके हॉस्टल के पैसे नहीं लग रहे होंगे, बाकी आपका बाहर रहने का जो खर्चा है वो सारी चीजें लग रही होंगी। बात कर ले फाइनली हम अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले यही मैं बताना चाहूंगा कि 50 एकर्स का इन्हें परमानेंट कैंपस अलॉट हुआ है, लेकिन आज के डेट में भी अपने टेम्पररी कैंपस से ऑपरेट कर रहे हैं। सबसे पहले जब इन्होंने अपनी स्थापना की थी तब इनका मेंटर इंस्टीट्यूट IIST शिवपुर रहा था, लेकिन 2017 में इनका मेंटोरशिप हैंडओवर कर दिया गया IIT खड़गपुर को। तो हम कह सकते हैं कि 2017 के बाद पहले के कंपैरिजन में ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला है। और बात कर ले अगर अपने टेम्पररी कैंपस की तो अभी इनका टेम्पररी कैंपस वेबल IIT पार्क में सिचुएटेड है। हॉस्टल की फैसिलिटी अलग है, यानी कि जो आपका कैंपस है उसके अंदर मोस्टली आपके एकेडमिक, बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, यही सारी चीजें हो रही होती है, क्लासेज लग रहे होते हैं, लेकिन हॉस्टल का फैसिलिटी आपके कैंपस से जहाँ क्लासेज होंगे उससे 4 से 5 किलोमीटर दूर है। बस फैसिलिटी प्रॉपर प्रोवाइडेड है ताकि आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही हो। हॉस्टल के अंदर आपको सिंगल सीटर और डबल सीटर दोनों ही रूम्स अवेलेबल हो जाते हैं, तो आपके ऊपर है, आपका अपना चॉइस है आपको किस प्रकार के हॉस्टल्स चाहिए।
हॉस्टल्स के अंदर आपको अटैच्ड वॉशरूम्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब हॉस्टल फैसिलिटी बढ़िया है, बट बहुत ज्यादा टॉप क्लास भी मैं नहीं कहूंगा। लेकिन हॉस्टल्स आपको सिटी के अंदर देखने को मिलते हैं, तो मार्केट ज्यादा दूर नहीं हो रहा होगा, मतलब फैसिलिटीज आपको प्रॉपर मिल जाएंगी, टाउन में रहने वाले कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। मेस का खाना बढ़िया बताया गया, जैसे हम बहुत सारे IIT NIT IIIT जो डिसेंट मेस प्रोवाइड करते हैं, ओके ओके, उनमें हमने देखा है कि भले ही घर का खाना होटल रेस्टोरेंट्स तो नहीं मिल रहा हो, बट तबीयत भी खराब नहीं हो रहा होगा, सर्वाइवर लेवल ठीक ठाक खाना मिल जाएगा। बट यहाँ पे एवरेज से बढ़िया खाना बताया गया है, तो यही मैं मेस के बारे में कहना चाहूंगा। और अगर हम फर्दर बात कर लें, तो यहाँ पर आपको बेसिकली जो मैंने बोला कि PG अवेलेबल है, अगर आप हॉस्टल्स नहीं लेना चाहते तो PG पेइंग गेस्ट रेंटेड रूम्स भी अलग से खुद से ले सकते हो। तो आप चाहो तो कैंपस के काफी और नजदीक ले लीजिए, जिसकी वजह से कैंपस में आना जाना और बेटर हो जाएगा आपके लिए, ज्यादा दूर नहीं पड़ रहा होगा। बात कर लेकर हम स्पोर्ट्स फैसिलिटी की, तो बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन आपको हॉस्टल्स के पास कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती हैं, बट मोस्टली स्पोर्ट्स के लिए इनका कल्याणी एक स्टेडियम है, और कुछ कल्याणी सिटी में स्थित इनके कैंपस के आसपास बहुत सारे ग्राउंड्स मिल जाएंगे, तो उनके साथ कुछ टाई अप्स है, वहां जाकर आप खेल सकते हो। बेसिकली टाई अप्स क्या ही बोलूं, मतलब उनके ग्राउंड्स आप यूज कर सकते हो। तो यही सारी चीजें हैं, मतलब जो भी आपको क्रिकेट फुटबॉल जो भी चीजें चाहिए स्पोर्ट्स में, सारी चीजें लगभग अवेलेबल हो जाती है, लेकिन इनकी खुद की बहुत सारी चीजें नहीं है। तो स्पोर्ट्स को लेकर बहुत ज्यादा चीजें तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी बेसिक बेसिक सारी फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाएंगी। बात कर ले अगर हम मेडिकल फैसिलिटीज की, तो इनका खुद का ऐसा कुछ प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी है नहीं, लेकिन नियरेस्ट नियर बाई इनका एक हॉस्पिटल है, उनके साथ टाई अप है। तो कहिए तो इनका खुद का कुछ ना होने के बावजूद भी लगभग इधर उधर से जुगाड़ करके आपको हर प्रकार की फैसिलिटीज देखने को मिली जाती है। कैंपस की एक अच्छी बात यह है कि चाहे आप कैंपस ले लीजिए या फिर हॉस्टल ले लीजिए, प्रॉपर सिटी में लोकेटेड है, जिसकी वजह से आपको फैसिलिटीज में दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर मार्केट से कुछ सामान लेना है या फिर मार्केट में ही कहीं मॉल थिएटर कहीं भी घूमने जाना है, तो वैसी कुछ खास दिक्कत नहीं आ रही होगी। लेकिन वहीं अगर हम बात कर ले, जैसे हमारे कुछ जब धीरे धीरे एस्टेब्लिश हो जाते हैं कुछ बहुत सारे IIT NIIT IIIT, तो सिटी के आउटस्कर्ट में लोकेटेड होते हैं। आउटस्कर्ट मतलब सिटी का जो मेन सेंटर होता है उससे काफी दूर, मतलब सेंटर से, सिटी सेंटर से काफी दूर, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी फैसिलिटीज लैकिंग होती है, बार बार सिटी जाने में दिक्कत हो रही होती है। बट वो आज के डेट में तो IIIT कल्याणी में नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है जो इनका परमानेंट कैंपस है 50 एकर्स का, जो इनका जमीन अलॉट हुआ है और कंस्ट्रक्शन भी चालू है, तो ये आपके आउटस्कर्ट्स में ही लोकेटेड है। तो जब आप परमानेंट कैंपस में जाओगे तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। अब परमानेंट कैंपस कब तक मिल सकता है, तो लोग तो कह रहे हैं कि 3 साल में मिल सकता है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन काफी धीरे धीरे चल रहा है, गवर्नमेंट जो आप काम समझते हो उस हिसाब से, तो ये सारी चीजें, 3 साल तो प्रपोजल दिया गया है, 3 साल बोला जा रहा है, लेकिन 4 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, मिनिमम 3 साल है, मैक्सिमम का पता नहीं। तो देखिए अगर 3 साल में मिल जाता है बढ़िया बात है, बट ज्यादा कुछ मैं होप नहीं दूंगा। अगर हम बात कर लें कि स्टूडेंट एक्टिविटीज एंड फेस्ट कैसी हैं, तो स्टूडेंट एक्टिविटीज में बेसिकली आपको थोड़े बहुत एक्टिविटीज देखने को मिल जाते हैं, लाइक फिल्म एंड मीडिया क्लब हो गया आपका, म्यूजिक क्लब हो गया, इसी के साथ आपको एक टेक्निकल क्लब देखने को मिल जाता है, यही सारी बेसिक बेसिक सी चीजें। बहुत ज्यादा ये सारी चीजें डाइवर्सिफाई नहीं की गई हैं, बट देखिए इनका जब खुद का परमानेंट कैंपस होगा तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी धीरे धीरे बढ़िया होंगी, क्लब्स भी और बढ़िया होंगे। अभी हमारा कैंपस ही बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, जिसके वजह से खासकर आप कुछ ज्यादा चीजें आज के डेट में तो नहीं सोच सकते, और अचानक से भी नहीं बोल सकते। परमानेंट कैंपस में जब भी शिफ्ट होगा तो बहुत सारी चीजें अचानक से हो जाएंगी, क्योंकि आप भी समझते हो IIT NIIT IIIT लेवल के बढ़िया, अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए फुल फैसिलिटी के साथ, तो चीजें धीरे धीरे होती है, फेज बाई फेज कंस्ट्रक्शन होता है। फेज 1 में आपके बेसिकली एकेडमिक बिल्डिंग, क्लासेज, आपके हॉस्टल्स, इन सारी चीजों की फैसिलिटी दी जा रही होती है। जब ये सारे फैसिलिटीज हो जाते हैं, आपको परमानेंट कैंपस में शिफ्ट किया जाता है, फिर धीरे धीरे बाकी फैसिलिटीज पर काम चल रहा होता है। लेकिन अगर आप IIIT में जा रहे हो, जो मेनली आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से जाना जाता है, तो कोडिंग कल्चर आपको बढ़िया देखने को मिलने वाला है। और अगर बात करें हम इनके एनुअल फेस्ट की, तो रेनेसा नाम का इनका एनुअल टेक्नो कल्चरल फेस्ट होता है, जिसमें आपका टेक्निकल एस्पेक्ट प्लस कल्चरल एस्पेक्ट दोनों ही शामिल होता है। तो साल में आपको एक मौका मिल रहा होगा जहां पर आप अच्छा खासा धूमधड़ाका कर सको और मौज मस्ती गाना बजाना भी हो रहा होगा। तो कॉलेज लाइफ भी है बढ़िया है, लेकिन जब इनका परमानेंट कैंपस बन जाएगा तो और बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। अच्छा अगर हम बात करें इनके क्लासरूम्स किस प्रकार के हैं, तो आपको अच्छा खासा बढ़िया एक स्पेसियस क्लासरूम देखने को मिलेगा। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आज का डेट 8 नवंबर 2023 है, लेकिन जिस दिन मैं वीडियो अपलोड करूंगा उस समय लगभग 10 दिसंबर के आसपास का डेट चल रहा होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मैं खुद एक थर्ड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ NIIT जमशेदपुर में, तो मेरे भी एग्जाम्स आते हैं,
एग्जाम से पहले की प्रिपरेशन भी होती, तो इस समय उतने ज्यादा मैं वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पाता, और अब थर्ड ईयर में चला गया हूं तो ज्यादा रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो ट्राई कर रहा हूं कि एग्जाम से पहले, और एग्जाम से पहले जो कुछ प्रिपरेशन करना है उससे पहले ही जितने भी वीडियोज रिकॉर्ड करने हैं उतने कर लिए जाए। तो वीडियो जब स्टॉक में रिकॉर्ड हो रहे हैं, फिर धीरे धीरे डेली एक एक करके वीडियो अपलोड होंगे, एडिट होंगे, अपलोड होंगे। तो बेसिकली आज दिन में मैंने 6 वीडियोज अपलोड किया, आज दिन का आखिरी वीडियो है, तो कभी दिन में 5 वीडियोज, कभी 3 वीडियोज, आज दिन का मैं 6ठा वीडियो, लास्ट वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रात के लगभग लगभग 11 बज चुके हैं, और अभी रात में सोने से पहले IIT बॉम्बे का वीडियो एडिट भी करना है, अपलोड भी करना है, ताकि कल सुबह भी जो थोड़े बहुत क्लासेज हों उसके बाद उतना टाइम मिलता नहीं है, तो शाम के 6 बजे मुझे IIT बॉम्बे का वीडियो लाइव भी करना है। तो जो करना है अभी सोने से पहले ही उसका रिकॉर्डिंग भी करना है, अपलोड भी करना है। तो मैं चाहता था कि जो भी हमारा जर्नी है आपके साथ एक बार शेयर किया जाए। खैर, हर वीडियो में आपको बोर नहीं कर रहा हूँ, यही सारी चीज़ें, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार हम दोनों आपस में हमेशा कनेक्टेड रहें। आप जो भी उधर वीडियो देख रहे हो, अब आप तो जो भी अपनी बातें पहुंचानी होती कमेंट सेक्शन में लिख देते हो, मेरे पास तो यही जरिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक चैनल पर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नेक्स्ट डे विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।